नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है हमारी आज की मेहमान है भरतनाट्यम की विश्वविख्यात कलाकार प्रतिभा प्रहलाद जी प्रतिभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिभा जी आप जैसे कलाकारों से मिलने के बाद जो मेरा पहला प्रश्न हमेशा रहता है वो यही रहता है कि आपको बचपन में ले चलते हैं आपके और हमने पढ़ा है कि आप तो आपके जो संग नृत्य सीखने की शुरुआत हुई वो तो दरअसल इस तरह से हुई कि टीचर ने कहा बीस रुपए लेके घर से आओ दस रुपए घुघरू के दस रुपए मेरी फ़ीस के क्या दिलचस्प कहानी है हमें ज़रा बताइए ये आ, उस वक्त तो बहुत ही छोटी थी पाँच साल की थी शायद चार पाँच साल की थी और पड़ोस में आ, ये टीचर थी उसके नाम सुनंदा तो वो शायद बीस बाईस साल की होगी आई मीन यू नो जब मैं पाँच साल की थी पच्चीस साल मैक्सिमम तो वो क्लास रन करती थी और आ, आ, मैं वहाँ पर जाके आ, जो बच्चे आते थे ना जो लड़कियाँ सीखने के लिए नृत्य सीखने के लिए तो मैं आके खेलती थी वहाँ पर ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुआ था मेरा मगर मैं इस, उन लोगों को देखती रहती थी और नो हर आफ्टरनून एवरी आफ्टरनून आई टू गो सो एक बार तो एक परफॉर्मेंस था और वो लड़कियों को यू नो करने के लिए कहा और जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने गलत किया तो इनकी गुरु जो थे लोखया सर इन लोगों का नाम भी आजकल कोई लेते नहीं है बहुत ही यू नो आई मीन अफसोस की बात है तो लोखया सर ने कहा कि बॉब बॉबकट लड़की है ना उनको मेरी नाम भी पता नहीं था मैं कहा वो बॉबकट बच्ची को पूछो वो पकड़ेगी बहुत छोटी थी मैं पाँच छः साल की तो उन्होंने कहा करने के लिए और मैंने पूरा आइटम कर दिया तो उन्होंने कहा मैंने कहा ना वो देखती रहती है देख के देख के ही वो जानता वो डांसर है वो डांसर बन जाएगी सो एनी वे माय माई टीचर दिस लेडी सुनंदा शी टोल मी आप यू नो प्लीज गेट ट्वेंटी रुपीस दस रुपये घुंगरू और कॉस्ट्यूम हायर के लिए और ऐसे नहीं कि सिर्फ घुंगरू के लिए बगर यू you नो know, दोनों के लिए और दस रुपए मेरी फीस So, I went and told my mother that I am learning dance, and she said, What dance? I am She said, With whom? Kaha? You know, and all that stuff. So, then she came to see the teacher, and it's very close to my house. So, that's how I started my dance journey. And um, sometimes it seems incredible because I think that, uh, you know, um, I think destiny chooses you to be an artist. It's not that you choose. Yeah. यू नो यूर ओन डेस्टनी बट आई थिंक डेस्टनी चूज बचपन की बात चली रही है तो ये भी बता दीजिए कि मतलब बचपन था कैसा शरारतों भरा या बहुत डिसिप्लिन मैं अभी भी अच्छी डिसिप्लिन नहीं हूँ तो आ, आ, आप, आपने कहा आप बहुत रिसर्च किया है मेरी बारे में तो कौन बोलते हैं कि वो बहुत ही यू नो रेगुलर डांसर है और रेगुलर जो यू you नो know, करना चाहिए वो करती है कोई भी नहीं बोलते मेरे साथ नो मेरे बारे में ऐसे शायद आई वॉज ऑलवेज़ इंडिपेंडेंट एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एंड माई मदर एंड माई फादर हैड गिवन मी द पावर ऑफ चॉइस सो बेसिकली आई कुड चूज़ वट आई वॉन्ट टू बी मुझे किसी की डर नहीं था और किसी से भी डर नहीं था तो मेरी माँ और मेरे पिताजी बोलते थे कि जो मन में है उसको बोलना चाहिए सीधी बात किसी से डरने की जरूरत नहीं है तो उस जमाने में आप सोचे होंगे कि इट वॉज़ क्वाइट अ बिग थिंग बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स वे नॉट लाइक मी दे वे नॉट गिवन दैट फ्रीडम टू बी करेजियस सो शरारत तो बहुत होता था आई थिंक अभी भी होता है मगर वो जिंदगी है इसके बाद आप जब भरतनाट्यम सीखने की बात आई तो आपने विधिवत तालीम की शुरुआत की यूएस एस कृष्ण राव जी से आप मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो ये उन्होंने आपको चुना कि वो आपको सिखाएंगे आ, ये कैसे हुआ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े जो गुरु होते हैं वो उनके अपने अप्रिहेंशन होते हैं कौन कितना सीरियस है कितना सीरियस नहीं है कैसे आखिर आपकी जो सीखने की शुरुआत हुई थी उनके मार्ग निर्देशन में वो कैसे शुरू हुई थी एंड आफ्टर शी लेफ्ट वो जो उसी एरिया में एक गुरु आते थे गुरु मतलब गुरु नहीं डांस मास्टर हमने किसी को गुरु गुरु नहीं बोलते थे आजकल सब लोग गुरु गुरु बोलते रहते डांस मास्टर डांस वादियार वैसे ही हम बोलते थे तो ग्रांस मास्टर एक घर घर में आके ही वॉज टीचिंग सो मेरी माँ ने उस डांस मास्टर को मेरे लिए भी फिक्स किया भरतनाट्यम और मेरा रंग प्रवेश उसके थ्रू हुआ तो ही वॉज लर्निंग फ्रॉम यू एस कृष्ण राव एंड चंद्रभा देवी सो चंद्रभा देवी और यू एस कृष्ण राव मेरे रंग प्रवेश पर आए थे परफॉर्मेंस uh, देखने के लिए और मैं आई थिंक आई वॉज अबाउट ट्वेल्व ईयर्स और थर्टीन ईयर्स ओल्ड तेरह साल या चौदह साल की थी मैं और उनने देख के कहा कि मेरी माँ को कि उनको हमारे पास भेज uh, दीजिए हम सिखाएंगे तो यू नो आई वॉज लिविंग वेरी फार ऑफ आई वॉज इन साउथ बैंगलौर एंड मास्टर एंड आंटी कृष्ण राव दे विल लिविंग इन नॉर्थ बैंगलौर सो माई मदर सेड शी कैन कम टू यू ओनली वैन शी गोज़ टू कॉलेज बिकॉज अगर वो माउंट कामल कॉलेज जाएगी तो उस वक्त आ सकती है अभी स्कूल में है यू नो अभी नहीं आ सकती तो जब मैं माउंट कामल कॉलेज शुरू की उस वक्त से मैं आई टू गोडो कृष्ण राव कपिल मास्टर एंड आंटी एंड लर्न फ्रॉम देम And they only invited me to learn. And after that, um, I wanted to be a professional dancer, so I saw, uh, you know, Kalanji Mami's uh, workshop in uh, Bangalore, not ban lecture demonstration, I think. And I asked one of the critics whether I can join her. So the critic asked her whether, you know, okay, she will teach me. So she was very happy. She said, "Ha ha, agar you know, Chennai aa Madras." So I used to um, go every Friday night, by night train to Madras um, and uh, you know go to her house, stay in her house, learn you know Saturday Sunday. then I would take the Sunday night train and uh, you know come back to Bangalore and attend college because my parents were very keen that um, I shouldn't give up my education. So Monday to Friday I would attend college. Friday night, I would go by the night train and then learn from her, learn Abhinaya, learn... I also then after about two years, I started with uh, Guru Muttuswami Pillai and Dr. Vemapadichandr Satyam, Kuchupudi also. So I used to learn two days, you know, two whole days, 8-8 eight, eight hours, ten ten hours, I used to have classes and then come back on Sunday night, you know, by the Sunday night mail, uh, Madras mail and uh, attend college on Monday morning. So I did this for many, many years. Uh, for you know, five six years of college I did that, because those days college meant pre-university two years, and three years of uh, degree. And then I did my master's course also. So even that time I used to do the same routine. But after my master's course I used to go to Madras and stay for fifteen days. Pandra din, kabi bisi then main Madras mein rehti thi or you know, sab sare guruong ki saath practice kar जी मैं ये पूछने वाला था ये सवाल आपसे कि आपने कुचिपुड़ी भी सीखा लेकिन फिर आपने फोकस किया भरतनाट्यम पे इसके पीछे की वजह क्या थी नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरी पहली यू नो you know, पहला प्यार तो भरतनाट्यम ही था क्योंकि तो पहले से मैं भरतनाट्यम ही कर, करती थी मगर यू नो आई सॉक डॉक्टर वेम्बर सत्यम एंड आई लव दिस स्टाइल उसकी स्टाइल बहुत ही ब्यूटिफुल था मीन वेरी वेरी पॉलिश्ड कुचुपुड़ी वेरी ब्यूटिफुल कुचुपुड़ी सो आई थॉट दैट इट वड टू माई ओन भरतनाट्यम टू माई अवेयरनेस टू माई लर्निंग प्रोसेस आई ऑलवेज न्यू दैट आई वुड बी अ भरतनाट्यम डांसर लाइक कुचुपुड़ी वुड बी माई सेकेंड स्टाइल इट वुड नॉट बी माई फर्स्ट स्टाइल सो उसके बाद जब भी मैं परफॉर्मेंस करती थी मैं यू नो आई वुड डू टू आइटम्स ऑफ कुचुपुड़ी मगर पूरी जो रेपट हुआ था वो तो भरतनाट्यम ही था सिर्फ लास्ट आइटम वो प्लेट डांस या ऐसे कुछ यू you नो know, कुचिपुड़ी डांस करती थी मैं या सिम्हा नंदिनी यू you नो know, वैसे डांस मगर वेर एवर आई डे कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस फुल कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस आई हैड टू गेट द म्यूजिशियंस फ्राम चेन्नई फ्राम मिड्रास बैंगलोर में यू नो वेम्पट सत्यम सर की स्टाइल शाइली की जो गाने वाले या बजाने वाले या नटुवा नटुवांगम करने वाले नहीं थे तो मेरी सारे ट्रूप यू नो मद्रास से आते थे तो so, जब मैं दिल्ली आ गई तो बहुत मुश्किल हो गया मुझे उनको यू नो मद्रास से यहाँ पर बुला के यू you नो know, परफॉर्मेंस करना एंड ज़्यादा परफॉर्मेंस तो मेरा भरतनाट्यम ही मिल रहा था तो आई डू यू नो मोस्टली भरतनाट्यम जी दिल्ली आना फिर कैसे हुआ आई स्टार्ट संगीत नाट अकेडमी पीपल कॉल्ड मी फॉर द यंग डांसर्स फेस्टिवल एंड आई वॉज रेकनाइज आई वॉज परफॉर्मिंग इन डेली आई आई सी में भी यू you नो know, मैंने परफॉर्म की और uh, वैसे तो कुछ और परफॉर्मेंस कमानी में यू नो uh, you know, uh, उस वक्त श्री राम सेंट त्रिवेणी तो मैं आती थी आती आ, आती जाती रहती थी बट व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विथ माय चिल्ड्रन आई डिसाइड टू शिफ्ट टू डेली सो वन ऑफ द मेजर डिसीशंस वाज़ दैट अच्छा फिर आ, वो समय कब आया जब आपने जाकर अपने घर में ये बताया कि आपको अब जो ये डांस फॉर्म है भरतनाट्यम इसको आप प्रोफेशनल तौर पर लेकर आगे बढ़ने चा, बढ़ना चाहती हैं और किस तरह के रिएक्शंस थे पेरेंट्स के वो भी बताइए हमें नहीं 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 मेरी आई मीन I mean, मेरी माँ बाप uh, को भरोसा नहीं था कि आई वॉन्ट बी सक्सेसफुल इन द डांस फील्ड किसी को नहीं था एक्चुअली वी आर रेगुलर एजुकेटेड फैमिली तो वो बोल आई I मीन mean, उन्होंने सोचा होगा कि हॉबी जैसा रखेगी जब तक चलेगा तो चलेगा जब नहीं चलेगा तो यू नो कुछ और काम कर सकती है माय ग्रैंडफादर यू नो वाज वेरी वेरी स्केप्टिकल ही कैफ टेलिंग मी आप आईएएस एग्ज़ाम ले लो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम ले लो आप कुछ करो यू you नो know, एक डांस कैसे करोगी डांस कैसे करोगी से बहुत अच्छे डांसर होंगे डांस कैसे प्रोफेशनली कैसे करोगे मगर आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई वु गिव इट अ शॉट दैट आई वु ट्राई नो माई नो लक केन बींग प्रोफेशनल डांसर एंड मैंने कुछ जॉब भी नहीं की मास्टर्स डिग्री के बाद मैंने सीधा डांस की प्रोफेशन ही लिया मैंने और आई थिंक द ब्लेसिंग्स ऑफ माई आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाए और अपनी राय रखे इसके अलावा राग गिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि राग भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे